सर आईटीआई पे कोई राय बनती है क्या? जी बिल्कुल। आईटीआई का अगर मैं चार्ट देखूं तो आईटीआई में एक रेजिस्टेंस दिखता है मुझे 121 रुपए का, जो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। 121 रुपए का इसमें काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। अगर 121 122 के लेवल तक स्टॉक जाता है और वहां पे अगर ब्रेकआउट दिखाता है तभी स्टॉक में नहीं बाइंग करनी चाहिए। करंट प्राइस में बाइंग करने के लिए कोई लेवल मुझे देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि स्टॉक ने परसों 2 दिन पहले के सेशन में एक 16-17% का एक मूव दिया था और उस मूव का कंसोलिडेशन स्टॉक कर रहा है। तो ये अभी हो सकता है 2-3 दिन और कंसोलिडेशन में जाए, और एक बार स्टॉक अगर बिल्कुल शॉर्ट टर्म का व्यू बताऊं तो 115-116 रुपए के ऊपर निकले तो 122 रुपए तक के टारगेट के लिए इसको बाई किया जा सकता है, 110 रुपए के स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए, थोड़ा पोजिशनल व्यू चाहिए तो 122 के लेवल के लिए वेट करना पड़ेगा। उस लेवल को अगर स्टॉक निकालता तभी इसमें एक बड़ा मूव देखने को मिला। उसके बाद ही इसमें एंट्री और खरीदारी करेंगे, फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच ही रहेगा।